देखो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये हो गया। ऐसे एक लोकल ग्राफ बना लेंगे, इससे पता लग जाएगा कौन सा बिंदु हमारा कहाँ जा रहा है। देखो माइनस एक कोमा जीरो, माइनस एक कोमा जीरो तो ये हो गई लाइन, माइनस वन कोमा जीरो, एक कोमा तीन, वन कोमा थ्री, वन टू थ्री, वन कोमा थ्री आ गए, थ्री कोमा टू, वन टू थ्री, थ्री कोमा टू, वन टू, हमारा ये आ गया थ्री कोमा टू, ये हो गया, ये हो गया और जी ये। इस घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है इस त्रिभुज का, तो इसे नाम दे दिया ए बी सी। अब इस त्रिभुज का कैसे निकलेगा, इसको ये डॉट डॉट करके ये मिला लिया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा वन कोमा जीरो, इसको डॉट डॉट करके मिला लिया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा तीन कोमा जीरो, ठीक है। अब पहले इस वाली लाइन का जो ए बी है, ए बी लाइन का यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इतना भाग आ जाएगा, समझिए ए बी लाइन का इतना इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन से वन तक, इतना भाग आ जाएगा। फिर जो बी सी लाइन है, बी सी का एक से कहाँ तक करेंगे तीन तक, बी सी का कहाँ तक करेंगे एक से तीन तक, एक से तीन तक करेंगे तो इतना भाग आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे और माइनस तीसरा ए सी को इतना घटा देंगे, दो भाग जुड़ेंगे और तीसरा भाग उसे घटाता चला जाएगा, समझ गए। इस तरह से हमें निकालना, तो पट्टी दिखाना चाहो तो ये दिखा देंगे बाई डी एक्स, ये पट्टी चढ़ेगी ऊपर वालों से अड़के और एक घटाती हुई चलेगी बाई डी एक्स, कहीं भी दिखा सकते हैं, समझ गए। अब इसके लिए हमें ए बी का समीकरण चाहिए, बी सी का समीकरण चाहिए, ए सी का समीकरण चाहिए, पहले तो समीकरण बनाने पड़ेंगे हमें, तो पहले हम बनाते ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला लगा लेंगे बाई माइनस वाई वन बराबर कितना होता है बाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ए बी रेखा के लिए आ रहा है तो ये ए बी ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स टू बाई टू, बाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना जीरो बराबर बाई टू माइनस वाई वन तीन माइनस जीरो बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना वन माइनस वन माइनस माइनस का वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है हमारा माइनस का वन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बाई माइनस जीरो तो हो गया बाई बराबर थ्री अपॉन वन और माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस माइनस प्लस का वन इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का वन, बाई बराबर हो गया तीन बटे दो इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया रेखा ए बी का समीकरण, ए बी का निकाल लिया। अब निकालेंगे किसका बी सी का, इसी तरह से बी सी का समीकरण निकालेंगे, बी सी का समीकरण, बी सी का समीकरण भी यही बाई माइनस वाई वन बराबर एक्स टू बाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब बाई माइनस वाई वन, बाई माइनस वाई वन देखो आप बी सी का निकाल रहे हैं तो ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू बाई टू, बाई माइनस वाई वन मतलब बाई माइनस थ्री बराबर बाई टू माइनस वाई वन दो माइनस तीन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन तीन माइनस एक इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस वन, बाई माइनस तीन बराबर तीन में से दो घटाएंगे माइनस का एक बटे तीन में से एक घटाएंगे दो इंटू एक्स माइनस वन, बाई माइनस तीन बराबर माइनस का एक बटे दो इंटू एक्स माइनस वन, माइनस के तीन को इधर ले जाएंगे बाई बराबर माइनस का एक बटे दो एक्स माइनस वन प्लस तीन, क्योंकि बाद में भी बाई का मान बनाना पड़ता है इसलिए पहले ही बना दिया। समीकरण नंबर दो, अब किसका चाहिए, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब चाहिए ए सी का, तो ये एक्स वन वाई वन हो गया और ये हो गया एक्स टू बाई टू। अब ए सी का समीकरण, ए सी का समीकरण, ए सी का समीकरण बाई माइनस वाई वन बराबर बाई टू माइनस वाई वन
बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन, ये एक्स वन बाई वन, ये एक्स टू बाई टू। बाई माइनस बाई वन मतलब बाई माइनस जीरो बराबर बाई टू माइनस बाई वन, दो माइनस जीरो बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, तीन माइनस माइनस एक इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस का एक। तो बाई बराबर हो जाएगा दो बटे तीन माइनस माइनस प्लस का एक इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का वन, दो बटे चार इंटू एक्स प्लस वन, दो ही का ना दो, दो दूनी चार, बाई बराबर ये हो गया एक बटे दो एक्स प्लस वन, समीकरण नंबर तीन। ठीक है, तीनों समीकरण निकालने, इसलिए आप क्या निकालना हमें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एबीसी, देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना बराबर। अब देखो कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करना, माइनस एक से ये पट्टी ले जाएंगे कहाँ तक, एक तक, माइनस वन से वन बाई डी एक्स, किसका हो रहा है, ए बी का, ए बी रेखा आ रही है इसमें। अब ए बी का कर लिया, अब कहाँ से एक से तीन तक किसका करेंगे, एक से तीन तक करेंगे बी सी का, प्लस एक से तीन तक बाई डी एक्स, किसका, बी सी रेखा का, और माइनस इस सब में से दोनों के जोड़ में से घट जाएगा कितना, कहाँ से कहाँ तक जाएगी पट्टी, माइनस वन से सीधा तीन तक, ये घटाते हुए ले जाएंगे, माइनस वन से तीन तक बाई डी एक्स, ये घट जाएगा क्या, ए सी। अब देखो समीकरण एक दो तीन से बाई के मान रखने पर, समीकरण एक कोमा दो कोमा तीन से बाई के मान रखना, बाई के मान रखने, समीकरण एक दो तीन से बाई के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर माइनस वन से वन, ये किससे रखेंगे, ए बी से, अब देखो ए बी का मान, ए बी का मान कितना है, कहाँ है ए बी का मान, यह है समीकरण एक से, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस एक से तीन, बी सी से बाई का मान कितना है, माइनस का वन अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री डी एक्स, प्लस सॉरी माइनस माइनस वन से थ्री, समीकरण तीन से बाई का मान एक बटे दो एक्स प्लस वन, एक बटे दो एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखो तीन बटे दो बाहर आ गया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो, प्लस वन का कितना हो गया एक्स माइनस वन से वन, प्लस माइनस एक बटे दो, एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो, ठीक है, माइनस वन का कितना हो गया एक्स, प्लस का तीन का कितना हो गया तीन एक्स, वन से तीन, माइनस एक बटे दो, एक्स का कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो, प्लस वन का कितना हो गया एक्स, लिमिट माइनस वन से थ्री। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तीन बटे दो अपर लिमिट वन का स्क्वायर बटे दो प्लस वन, माइनस माइनस वन का स्क्वायर बटे दो प्लस माइनस वन, इसी में हो रही है क्या। अब देखो प्लस, इसमें अपर लिमिट लगा देंगे माइनस का एक बटे दो इंटू तीन का स्क्वायर बटे दो माइनस तीन प्लस थ्री इंटू थ्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस एक बटे दो इंटू एक का स्क्वायर बटे दो माइनस एक प्लस थ्री इंटू वन, माइनस आ रिया, देखिए पूरा एक बटे दो को बाहर ले लिया, अपर लिमिट तीन का स्क्वायर बटे दो प्लस तीन इंटू माइनस माइनस एक का स्क्वायर बटे दो प्लस माइनस वन बराबर तीन बटे दो इंटू एक बटे दो प्लस एक माइनस माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन बटे दो प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस एक बटे दो नौ बटे दो माइनस तीन प्लस
प्लस तीन तिया नौ, माइनस माइनस एक बटे दो, ये हो जाएगा एक बटे दो माइनस एक प्लस तीन, माइनस एक बटे दो इंटू तीन तिया नौ बटे दो प्लस तीन माइनस माइनस एक का जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एक बटे दो माइनस वन, तीन बटे दो इंटू दो ही का ना दो और एक, तीन बटे दो हो गया ये, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, एक में से आधा घटाएंगे माइनस का आधा और माइनस माइनस प्लस का आधा बचेगा। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस दो तीन अच्छे, बस बढ़िया आओ भाई, ट्यूशन ही पढ़ाने आए थे, आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छे अच्छे दो तीन अच्छे, नौ में से छः घटाएंगे तो कितना तीन बटे दो, तो ये हो जाएगा माइनस का तीन बटे चार, समझ गए, दो तीन अच्छे तीन में से छः घटाएंगे तो कितना बचेगा तीन, तीन बटे कितना हो गया चार प्लस नौ माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस एक में से आधा घटाएंगे तो माइनस आधा और माइनस आधे की आधे से गुणा होगी तो कितना प्लस का एक बटे चार होगा, फिर माइनस का हो जाएगा माइनस का एक बटे चार और माइनस प्लस माइनस का थ्री, माइनस एक बटे दो, दो तिया छः, छः नौ कितना हो गया पंद्रह, पंद्रह बटे दो माइनस दो ही का ना दो, दो में से एक घटाएंगे माइनस का एक बटे दो माइनस माइनस प्लस का एक बटे, ये हो जाएगा तीन बटे दो इंटू चार बटे दो। अब देखो जरा इसमें दिमाग लगाओ, तीन ये और एक ये माइनस हर समान है तो ऊपर माइनस का चार बटे चार, नौ में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा छः, माइनस का एक बटे दो पंद्रह और एक सोलह बटे दो, दो दुनी चार, एक दो से दो कैंसिल हो गया, ठीक है तो कितना हो गया यहाँ पे तीन बचा, चार से चार कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा पाँच, दो अट्ठे सोलह, इस दो से ये चार बार कैंसिल, माइनस का कितना चार, पाँच तीन आठ माइनस चार बराबर कितना चार वर्ग मात्रा, एक बार आंसर चेक करो उसका, करिए जरा मैं इतना इंक ले गया हूँ, इतना उतर पाँच मिनट बिना इंक नहीं हो गया समीकरण एक बे दो को हल करने पर, हल करने पर सॉल्विंग वन एंड टू, समीकरण एक और दो को हल करना है तो बाई बराबर कितना है दो एक्स प्लस एक और दूसरी समीकरण है बाई बराबर थ्री एक्स प्लस एक, घटा लेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल जीरो बराबर कितना आ गया माइनस एक्स, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख लेंगे तो बाई बराबर ये हो जाएगा टू इंटू जीरो प्लस वन, तो बाई बराबर जीरो प्लस वन, बाई बराबर कितना आ गया वन, तो ये पॉइंट मान लिया ए आ गया जीरो कोमा वन, ए पॉइंट आ गया। अब समीकरण एक दो को हल कर लिया, अब क्या करेंगे दो और तीन को, समीकरण दो व तीन को हल करने पर, हल करने पर समीकरण दो और तीन को हल करना है तो समीकरण तीन से x बराबर चार किस में रख लेंगे दो में, x बराबर चार समीकरण दो में रखने पर, अब y बराबर कितना हो जाएगा तीन इंटू चार प्लस एक, y बराबर कितना चार तिया बारह प्लस एक, y बराबर कितना तेरह, और x का मान तो है ही चार इसलिए एक बिंदु आ गया हमारा बिंदु b आ गया, इसे b नाम दे देते हैं, b बराबर आ गया चार कोमा तेरह। अब पहली दूसरी को हल कर लिया, दूसरी तीसरी को हल कर लिया, अब तीसरी और पहली को, तीसरी और पहली को हल कर लेंगे, समीकरण तीन में एक को हल कर लेंगे, समीकरण तीन और एक को हल कर लिया, x बराबर चार समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा टू इंटू फोर प्लस वन, y बराबर कितना आठ प्लस एक, y बराबर कितना नौ, इसलिए c बराबर आ गया हमारा चार कोमा नौ। अभी तीनों बिंदु आ गए, अब इसका ग्राफ खींच लेंगे हम, x x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है। अब ये क्या है कहाँ कहाँ काट रहे, पहले बिंदु एक खींचेंगे जीरो कोमा एक, मान लिया ये आ गया जीरो कोमा एक, ये a आ गया
0.1। बी कितना आया हमारा 4.13, एक्स बराबर 4.13, 13 कहीं और ऊपर जा गए, 4.13 समीकरण नंबर बी, ए बी मिला दिया। ठीक है, तीसरा सी है 4.9 कहीं है ही आ जाएगा, 4.9, और ये हो गई एक्स बराबर 4 लाइन तुम्हारी, ये हो गए ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ये वाला भाग निकालना है, तो ये अब तो सिंपल सा है, ए बी समीकरण नंबर कौन सी है, ये दूसरी है 4.13, पता ऐसे चला वो 13 आ रहा ना, 4 × 12 = 13, वैसे भी सॉल्व करके देख लो किस किस का, 2 और 3 को हल करने पाया ना, 2 और 3 को, तो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, तो ये कौन सी है समीकरण 1। तो एक पट्टी से हड़के चल जाएगी यहाँ तक, सीधा सीधा सवाल है, 2 पट्टी चलेंगी बस, एक सीधी चलेगी एक माइनस करती चलेगी, और ये भी अच्छा ये ऐसा है ना, पिछला वाला ऐसा था, तो 2 जुड़े थे और तीसरा घटा। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर कहाँ से चलेगी, 0 से 4 तक, यहाँ से चलेगी ना 0 से 4 तक, बाई डी एक्स किस से अड़के चल रही समीकरण 2 से, माइनस 0 से 4 बाई डी एक्स समीकरण 1 से, तीसरे का कुछ रोल ही नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 से बाई के मान बने बनाए हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1/2 से बाई के मान रखने, बाई के मान रखने, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 0 से 4, समीकरण 1/2 से रखेंगे पहले बाई का मान, समीकरण 2 से बाई का मान है 3x + 1 माइनस 0 से 4, समीकरण 1 से मान है 2x + 1 dx बराबर 3x² / 2 + x, 0 से 4 2x² / 2 + x, 0 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 × 4² / 2 + 4 माइनस 3 × 0² / 2 + 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² 4² + 4 माइनस 0² + 0 4 × 16 16 × 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16 8 × 3 = 24 24 + 4 -0 माइनस 4 × 16 + 4 24 × 4 = 28 माइनस 16 × 4 = 20 बराबर 8 वर्ग मात्रा। सवाल जरा सा था, घुमा कितना दिया बताओ, जो भारी सवाल था x² + y² = 4 और दूसरी समीकरण है x + y = 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सबसे पहले तो देखेंगे ये है क्या क्या, ये तो है वृत्त और ये है रेखा, ये सर्किल है और ये क्या है लाइन है। अब इसे सीधा करके बना लेते हैं, x² + y² = 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या हो गई 2 और ये तो है ही सीधी। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं, पहले तो ये देखेंगे कहीं हमें सॉल्व करनी तो ना पड़ेंगी, ये पहले देखते हैं आइडिया लगा के। इसकी त्रिज्या 2 है, 1 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ से निकल के जाएगा वृत्त, 2 त्रिज्या वाला वृत्त है। ये 2 त्रिज्या वाला वृत्त खींच लिया हमने, तो इसका ये 2.0 हो गया और ये कितना हो गया 0.-2 और ये 0.2 और ये 0.-2। x + y = 2, अब ये देखना है कहाँ कहाँ से निकलेगी लाइन, x पे 0 y पे 0 रख के देखो, x पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है 2। ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, x y, जब हमने x पे 0 रखा तो y का मान कितना आ रहा है 2, एक बार y पे 0 रख के देखो, y पे 0 रख के देखो तो x का मान कितना आ रहा है 2, तो 0.2
एक तो पॉइंट ये हो गया, और 2.0, 2.0 ये हो गया। हल करने की ज़रूरत नहीं है, रेखा ऐसे जा रही है। हल करने से बच गए अगर ये ग्राफ बना के दिखा देते हो। अब ये इस भाग का निकालना है, तो एक बार सर्किल से अड़ के चल जाएगा बाई dx, और लाइन से एक बार माइनस करता हुआ चलेगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देगा बाई dx। ठीक है, तो पहले बाई के मान निकाल लो समीकरण एक से, आगे काम आएंगे। समीकरण एक से बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 - x² बाई बराबर रूट 4 को लिख लिया, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। मतलब चलो बाई का मान ही हो गया। समीकरण दो से बाई का मान निकालेंगे, बाई बराबर कितना, 2 - x। बाई के मान पहले निकाल लिए, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल 0 से 2 ही चलाना है, 0 से 2 बाई dx किस से अड़के चलेगी, समीकरण एक से। समीकरण एक से माइनस 0 से 2 बाई dx समीकरण दो से बराबर 0 से 2। बाई का मान रख देंगे समीकरण एक और दो से, लिख देते हैं समीकरण एक में दो से बाई के मान रखने पर। समीकरण एक से बाई का मान कितना है, 0 से 2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx माइनस 0 से 2 2 - x dx बराबर, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2x √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a² / 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 2x - x² / 2 0 से 2। अपर लिमिट 1/2 × 2 × 2² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 sin inverse 2/2 माइनस 1/2 × 0 × 2² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 0/2 माइनस अपर लिमिट 2 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर / 2 माइनस 2 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर / 2। देखो ये पूरा 0 हो गया, 2 × π/2 माइनस ये 0 हो गया, साइन 0, ये पूरा 0 हो गया। माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना, 2, ये पूरा -0। 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 और कुछ बचा ही नहीं, पाई माइनस 2 वर्ग मात्र आंसर। अगला हो गया था सवाल, हो